नमस्कार दोस्तों, दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज वाले ग्रुप G20 की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है और रिसेंटली गोवा में G20 ग्रुप की मीटिंग में भारत की तरफ से 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। सऊदी अरेबिया और रशिया समेत कई सारे तेल उत्पाद करने वाले देशों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके अलावा दुनिया को सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जहर छोड़ने वाला चाइना और कोयला निर्यात करने वाले साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया, मगर आपसी सहमति ना होने के बावजूद भी भारत ने इस प्रस्ताव को लेकर अपना स्टांस एकदम क्लियर रखा। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, जब जब रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज की तरफ बढ़ने की बात होती है तो ओपेक प्लस वाले सभी देश इस इनिशिएटिव का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। इसके पीछे की वजह फॉसिल फ्यूल्स पर इनकी अर्थव्यवस्था की निर्भरता है। रशिया और सऊदी अरेबिया के इस प्रस्ताव को नामंजूरी देने का एकमात्र कारण ये है कि इनके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल यानी तेल और गैस से आता है, इसलिए ये दोनों देश कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। दोस्तों, फॉसिल फ्यूल्स का मामला सिर्फ रशिया और सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं है, अमेरिका भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आपत्ति जताता है। दोस्तों, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और रशिया तेल को लेकर पूरी दुनिया में इनका वर्चस्व छाया हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अमेरिका प्रोड्यूस करता है, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया और तीसरा रशिया। ये तीनों तेल को लेकर एक अलग ही वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं। इन तीनों के पास अगर कोई एक कॉमन चीज है दुनिया को बेचने के लिए तो वो है तेल। तीनों की इकोनॉमी तेल बेचकर खा रही है। आप जरा सोचो कि अगर दुनिया रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करना शुरू कर दे तो फिर इनका क्या होगा? दुनिया में इनके तेल की डिमांड कम हो जाएगी। अकेला रशिया, जिसके पास दुनिया को तेल, गैस और हथियार देने के अलावा कुछ और है ही नहीं। सिमिलरली सऊदी अरेबिया, जिसके पास तेल और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ और है ही नहीं। अमेरिका तो चलो बच जाएगा, क्योंकि जितना तेल वो प्रोड्यूस करता है उसका आधा तो उसके देश के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। अमेरिका तेल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और वैसे भी 40 साल तक तो अमेरिका ने तेल एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा रखा था। अभी इसने 2015 में बैन हटाया था और फिर से तेल बेचने लगा, तो अमेरिका को एक्सपीरियंस है। अमेरिका यहाँ पे सेफ खेल जाएगा, मगर रशिया और सऊदी अरेबिया, आप दोनों का क्या होगा? दोस्तों, G20 के मीटिंग में सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो प्रपोजल दिया था इसको ठुकराने के पीछे आपको बैकग्राउंड समझना होगा। दोस्तों, 2018 में पोलैंड में यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसे COP24 भी कहते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा डेलीगेशंस अफ्रीकन कंट्रीज से आए थे, जैसे गिनी, कॉन्गो, सूडान, मोरक्को और नाइजीरिया से इस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेशंस भेजे गए थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये अफ्रीकन कंट्रीज ही भुगत रहे हैं। दोस्तों, उस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया ने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनको ऐसा कंडेम किया गया कि उनको उस कॉन्फ्रेंस में आए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट विलेंस कह दिया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की ये जो क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक आते हैं, अपने साइंटिफिक रिपोर्ट्स को फॉर्मली प्रेजेंट करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में भी वर्ल्ड लीडर्स ने जब वैज्ञानिकों के क्लाइमेट चेंज के ऊपर दिए हुए रिपोर्ट को शो किया, तब अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया और कुवैत ने मिलकर उस स्पेशल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट को हाथ में लेने से मना कर दिया था। दोस्तों, उस कॉन्फ्रेंस में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस नाम की एक स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी, जो ये वार्निंग दे रही थी कि अगर फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशन को कम नहीं किया गया तो कुछ ही सालों के अंदर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिमिट को पार कर जाएगा। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब है, कि पृथ्वी के एवरेज सरफेस टेम्परेचर का 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है उसको पार कर जाना। दोस्तों, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट
पेरिस एग्रीमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। और पेरिस एग्रीमेंट का कहना यह है कि साइंटिफिक एविडेंस ये कहती है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स इस लिमिट से ज्यादा हो गया तो इससे पूरी पृथ्वी के लिए गंभीर परिस्थिति आ सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट ने सबको रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ काम करने के लिए कहा। अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया और कुवैत, इन चारों ने इस रिपोर्ट को अपनाने से मना कर दिया। इन चारों ने आईपीसीसी के स्पेशल रिपोर्ट पर ध्यान देने के बजाय हल्की फुल्की बातें करके चले गए। चूंकि कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए फिर इस रिपोर्ट पर फर्दर डिस्कशन भी नहीं हुआ। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में जो गोवा में G20 ग्रुप की मीटिंग हुई थी, उसमें भी जब भारत ने फॉसिल फ्यूल्स यानी तेल और गैस के कंजम्पशन को कम करने और ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही थी, तो यहाँ पर भी रशिया और सऊदी अरब ने कोई सहमति नहीं दिखाई। दोस्तों, ये अमेरिका खुद रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा मगर दूसरों को करने नहीं देना चाहता। और फिर रशिया, सऊदी अरेबिया और बाकी मिडल ईस्ट के जितने भी अरब देश हैं, इनके पास तेल बेचने के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो अगर कोई इनके सामने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी जैसी बात करे तो ये लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका देश फॉसिल फ्यूल्स बेचकर ही चलता है। और भारत जैसा देश अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने की बात करे तो सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरेबिया और रशिया को होने वाला है, क्योंकि एक तो तेल ही इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ये अपना सारा रेवेन्यू जनरेशन तेल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करके ही करते हैं। और यूक्रेन के चलते रशिया ने भारत और चाइना को तेल बेचकर जितना पैसा कमाया है, उतना पैसा रशिया की किसी इंडस्ट्री ने अपनी हिस्ट्री में नहीं कमाया होगा। दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो रशिया और मिडल ईस्ट के जितने भी अरेबियन कंट्रीज हैं, इन लोगों ने बरसों से खूब पैसा लगाया है फॉसिल फ्यूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में और उसको मेंटेन करने में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार बनाकर ये लोग ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर राज कर रहे हैं। ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी इनके पूरे एनर्जी सिक्योरिटी मॉडल को बिगाड़ सकती है और इनके तेल के व्यापार में घाटा ला सकती है। दोस्तों, अभी भारत में 2047 से पहले एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की बात हो रही है। 2030 से पहले हमारा लक्ष्य अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेस से पूरा करने का है। फाइनली, इस इशू को लेकर मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के ओपिनियंस जानना चाहूंगा। आई विश यू ऑल ए वेरी गुड हेल्थ। जय हिंद।